हेलो दोस्तों, तो हम नॉन टेक्निकल की पूरी तैयारी की जानकारी ले चुके हैं कि किस प्रकार से हमें नॉन टेक्निकल तैयार करना है ताकि हमारा एसएससी जेई में सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल की। टेक्निकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपके जो पेपर टू और दोनों में ही टेक्निकल का बहुत बड़ा रोल है। पेपर टू तो पूरा का पूरा टेक्निकल होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं कि टेक्निकल कितना महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि एसएससी जेई ने जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर आपने देखा कि लगभग 1324 पद है और बढ़कर लगभग 2000 के लगभग पद होने वाले हैं। तो ये बहुत ही बंपर वैकेंसी आप लोगों के लिए है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि हम टेक्निकल कैसे पढ़े और कहां से पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन एकदम इंश्योर हो जाए, फिक्स हो जाए। तो हम आज इस पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है? अगर तुमने नहीं भरा है तो भाई देर मत करो, फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म भरो, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त है। अब 16 अगस्त आपको लग रहा होगा बहुत दूर है, लेकिन पता नहीं कब 16 अगस्त आ जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम अभी फॉर्म भर देते हैं और लास्ट में, क्योंकि वेबसाइट पर हाई ट्रैफिक होता है, आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहली बात, आप फॉर्म भरे। 26 जुलाई से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं और 16 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। अब बात आती है कि सिविल वाले टेक्निकल की तैयारी क्यों करें और कैसे करें, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो मौका आया है ना, ये सिविल के लिए सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि सिविल के इसमें 1095 पद है, यानी लगभग 1100 पद है 1300 में से। तो अगर 1100 पद है तो सिविल वालों की तो भैया नौकरी लगनी पक्की है। तो इसलिए तुम लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दो। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पैटर्न दिया है इस बार का, जो नया पैटर्न है, उस नए पैटर्न में दो पेपर होने वाले हैं। उसमें जो पहला पेपर है उसके अंदर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही आएगा। नॉन टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का आएगा, जिसके बारे में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि नॉन टेक्निकल को किस प्रकार से तैयार करना है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल आपका पेपर वन के अंदर 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आने वाले हैं। और यहां पर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू पूरा का पूरा टेक्निकल ही होने वाला है। पेपर टू पूरा का पूरा टेक्निकल ही होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, यानी ये आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा। यानी टोटल टेक्निकल आपका 400 मार्क्स का है, किसमें से 500 में से, यानी 500 में से 400 मार्क्स का आपका टेक्निकल है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी रैंक और आपका सिलेक्शन टेक्निकल पर बहुत निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि इस टेक्निकल के अंदर सिविल वालों का सिलेबस क्या है। भाई सिविल वालों को है, इसके अंदर आपके कुल 12 सब्जेक्ट है इसमें। तो आपके पास पहले होता है बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर, कंक्रीट आरसीसी और स्टील डिजाइन। ये सिलेबस दिया हुआ है एसएससी जेई ने। लेकिन अब समस्या ये होती है कि सर कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा हमें पढ़ने में, वो आप बता दीजिए। तो मैं आज आपको ये टाइम बताने वाला हूं कि लगभग कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देने वाला है। तो यहां पर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो आप इसको 12 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 2-2 घंटे अगर आप इस चैप्टर को देते हो तो 6 दिन में ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्ट वैल्यूएशन 16 घंटे का चैप्टर है, 16 घंटे के अंदर आप इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सर्वेइंग, और ये हम करवाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, हम है ना तुम्हारे साथ, हम करवाएंगे। तो यहां पर सर्वेइंग में 15 आवर्स, सॉइल मैकेनिक्स में 15 घंटे, हाइड्रोलिक्स में भी 15 घंटे लगभग लगेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग में 15 घंटे, ट्रांसपोर्टेशन में 12 घंटे, और एनवायरमेंट में 10 घंटे, स्ट्रक्चर में 12 घंटे, कंक्रीट में 10 घंटे, आरसीसी में 10 घंटे और स्टील डिजाइन में 5 घंटे। यानी ऐसे कुल मिलाकर आपके इस कॉन्सेप्ट को समझ के इन सब्जेक्ट्स को पूरा करने में जो समय लगेगा वो 150 घंटों के लगभग लगेगा। यानी 150 घंटे में आप अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी पूरा पूरा समझ के आप 150 घंटों में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, अब हम ये बात जानेंगे कि यार सर हम 150 घंटों में तो कर सकते हैं, कि क्या हमारे पास इतना टाइम है। तो हम देखते हैं, हमारे पास अभी लगभग 90 दिन है, क्योंकि अभी हम जुलाई को तो खत्म समझते हैं, अगस्त से, 1 अगस्त से अगर हम माने तो अक्टूबर आपकी टेंटेटिव डेट दे रखी है, तो लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर ही होगा या फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप अक्टूबर की टेंटेटिव डेट को लेकर चलेंगे, तो यहां पर हम मानते हैं कि 90 दिन आप लोगों के पास है, और आप तो आज से ही तैयारी शुरू करें, आपको अगस्त आने की भी कोई वो नहीं है, अगस्त 1 तारीख से शुरू करेंगे, आज से तैयारी शुरू कर दे, तो 90 दिन आपके पास लगभग है। और अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी रोज देते हैं तो आपके पास कितने घंटे हैं, 180 घंटे। इन 180 घंटों में ही आपको प्लान कर रहे हैं, 2 घंटे तो कोई ज्यादा नहीं है कि टेक्निकल को 2 घंटे, क्योंकि नॉन टेक्निकल भी तो है आपके जीवन में, उसको भी तो समय देना है। तो टेक्निकल के लिए अगर आप 2 घंटे कम से कम बता रहा हूं, ये 2 घंटे अगर कम से कम देते हैं तो आपके पास 180 घंटे हैं, और उन 180 घंटों का पूरा प्लान में बनाकर आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट के लिए अभी मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन बताई है, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, इसके अनुसार आप कॉन्सेप्ट को जिसमें आप पढ़ाई करेंगे समझेंगे कॉन्सेप्ट को, वो आपको 150 घंटे लगेंगे। फिर इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के आपने जो शॉर्ट नोट तैयार करे हैं या फिर जो क्लास नोट्स हैं उनको रिवाइज करने में आपको 10 घंटे लगेंगे, यानी इसको 5 दिन लगेंगे, 2-2 घंटे अगर रोज देते हो तो 5 दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए, और 20 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-2 घंटे के 10 पेपर तो एटलीस्ट देने हैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, तब जाकर तुम एग्जाम में जाने लायक बनोगे, समझ गए। तो यहां पर ये पूरे का पूरा तुम्हारा 180 घंटे का प्लान मैंने बता दिया है, किस प्रकार से तुम्हें करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने, फिर रिवीजन करना और फिर प्रैक्टिस करनी है टेस्ट देकर, ठीक है। ये हो गया 180 घंटे का प्लान, तो ये आपके सिलेक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप समझते हैं कि इतने में ही काम हो जाएगा, ये इतने में टॉप कर जाएंगे, टॉप करने के लिए तुम्हें एडिशनल देना पड़ेगा, यानी अच्छी रैंक के लिए, अच्छे डिपार्टमेंट के लिए तुम्हें 2 से 2 की जगह 3 घंटे देने पड़ेंगे टेक्निकल को। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए कम से कम इतना तो करना पड़ेगा दोस्त, अगर सिलेक्शन चाहिए तुम्हें एसएससी जेई में तो इतना तो करना पड़ेगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, इतना तुम्हें करना पड़ेगा। देखो पूरा चार्ट मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी और बात बता दूंगा कि टेक्निकल की पढ़ाई कैसे करनी है। टेक्निकल हमने शुरू तो कर दिया, पढ़ाई कैसे करनी है, देखो कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया, वीडियोस आपने देख लिया, अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने, आप खुद अगर शॉर्ट नोट्स बना पाते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी के भी नोट्स, यानी क्लास नोट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में जो लाइव क्लासेस चलेंगी उसका जो क्लास नोट्स होगा वो आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर, तो वो जो हम क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो क्लास नोट्स से आपको क्या करना है, रिविजन करना है, और ये रेगुलर रिविजन होना चाहिए, जो पढ़ा उसका रिविजन तुरंत होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में मैं सबसे पहले टेस्ट तो देनी है आपको, लेकिन उससे पहले जब आप पढ़ते चलोगे उसके साथ साथ क्या करना है आपको प्रैक्टिस में, PYQs यानी SSC JEE के तुम्हारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे PYQs लगाने, सारे PYQs लगाने, जितने भी PYQs हैं, और जूनियर इंजीनियर लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC JEE जैसे, RRB JEE जैसे, कई सारे स्टेट JEE होते हैं, कई सारे बोर्ड के JEE होते हैं, तो वो स्टेट JEE और जो जैसे राजस्थान का JEE आ गया, जैसे NHPC का JEE आ गया, जैसे DDA का JEE आ गया, तो जो जूनियर इंजीनियरिंग लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके इस सिलेबस के सारे PYQs आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से टपकने वाले हैं, और कैसे एज इट इज टपकने वाले हैं, 70 से 80% तुम्हारे टेक्निकल में PYQs से टपकने वाले हैं और एज इट इज टपकने वाले हैं, तो इनकी चिंता करो तुम। उसके बाद जो 20 से 30% बचेगा वो तुमने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो तुम ऑलरेडी उसको समझ जाओगे और कर दोगे, उसको सॉल्व करने में तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन में तुम्हारा इतना टाइम सेव होगा क्योंकि तुमने PYQs अगर प्रैक्टिस करे हुए हैं तो तुम तुरंत इनका आंसर कर दोगे, और जो कॉन्सेप्ट से करने हैं, जो नए प्रश्न आएंगे 20 से 30%, वो क्वेश्चन को तुम आराम से टाइम देकर सही जवाब करके आओगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं कह रहा हूं पक्की बात है।
लेकिन ये अपनाना पड़ेगा। और भाई टेस्ट तो देने पड़ेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि तुम एग्जाम देने से पहले 10 टेस्ट दे लो, एग्जाम देने से पहले 10 टेस्ट दे लो। और टेस्ट क्योंकि टाइम बाउंड टेस्ट देना है भाई, टाइम बाउंड टेस्ट देना है। वहां पर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, तुम 200 क्वेश्चन यू मत समझना कि भाई हमारे पास तो बहुत टाइम है, टेस्ट नहीं दोगे, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ, तो पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करने के लिए तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम होता है, उसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन एग्जाम में टाइम की बाउंडेशन होती है, और उस बाउंडेशन में तुम कितने सही कर पाते हो, कितना प्रेशर झेल पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एग्जाम के पैटर्न पर ही टेस्ट देने हैं, कम से कम 10 टेस्ट देने हैं, और उसके बाद ही तुम्हें एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड घोषित करना है। तो मैं आपको बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिनों का क्या प्लान है, किसको कितना टाइम देना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और ये सब चीजें हम करेंगे, मिलकर करेंगे, मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, और आपका सिलेक्शन भी होगा और मजा आ जाएगा यार। तो दोस्तों धन्यवाद, ऐसे ही मिलते हैं अपन क्लासेस के दौरान और नए वीडियोज के दौरान। थैंक यू।